लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में मारे गए 16 प्रवासी मजदूरों के मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार से ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसने इन मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए, जिसके चलते कई दर्दनाक हादसे हुए। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो जाएंगे तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान जब सवाल किया कि क्या पैदल चलकर जा रहे मजदूरों को किसी तरह रोका जा सकता है, तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रही हैं, पर लोग कई बार गुस्से में आ रहे हैं और पैदल ही घर निकल रहे हैं, वो इंतजार नहीं कर रहे। सरकार ऐसे लोगों से सिर्फ आग्रह ही कर सकती है कि वो पैदल ना जाएं, लेकिन उन पर कोई बल प्रयोग तो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोर्ट के लिए यह असंभव है कि वो इस बात की निगरानी करे कि कौन पैदल चल रहा है और कौन नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों की पहले से मदद कर रही है, लेकिन मजदूर अपनी बारी आने का इंतजार नहीं कर रहे और पैदल अपने घरों को जा रहे हैं। सभी जाना चाहते हैं, उन्हें पैदल जाने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। सभी राज्य ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन एम्प्लॉयर्स के खिलाफ मुकदमा न चलाएं जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरा वेतन देने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने इन औद्योगिक इकाइयों की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वो लॉकडाउन के दौरान सभी कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। औद्योगिक इकाइयों ने ये दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि उनके पास भुगतान करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान इन संगठनों को उनके वर्कफोर्स को पेमेंट करने से पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए। लॉकडाउन के बीच हरियाणा में रोडवेज की बसें कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि बसों में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है और एक बस में 30 से ज्यादा यात्रियों को बैठाया नहीं जा सकता। ये बस सेवा चुनिंदा मार्गों पर शुक्रवार सुबह से शुरू की गई है। अभी केवल 6 बसों का प्रावधान है, हर एक रूट पे सिर्फ 6 बसें चलेंगी, 2 अंबाला से कैथल, करनाल और पंचकुला। सवारियां बढ़ेंगी तो मुख्यालय से जैसे मैं बस बढ़ाने के आदेश आएंगे। पंजाब में जॉब करता हूँ और मेरे को अपने घर कैथल जाना था, लेकिन वहाँ पे मैंने अपनी ऑनलाइन बुकिंग की, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है कर्फ्यू पास बनवाने के बाद। तो अब मेरे को जाना है कैथल, लेकिन यहाँ से बस सर्विस बंद हो गई है और ना मैं अब पंजाब जाने के लिए वापस जाने के लिए नहीं जा सकता और ना ही मैं अब कैथल जा सकता। राजधानी दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, लेकिन इधर दिल्ली सरकार का कहना है कि वो रोजाना 10 लाख लोगों को दिन और रात का भोजन करवा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तो यहाँ तक दावा किया कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार 20 लाख लोगों को भोजन करवा सकती है। देखिएगा, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दिल्ली से नहीं है, वो दूसरे राज्य से आके दिल्ली के थ्रू पास कर रहे हैं। हम दिल्ली के भी कई लोग जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए पूरी दिल्ली में हमने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हुए हैं। अब जिसको भी चाहे हमारे बसेरे दे दिए, रहने की जगह, खाने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली में 10 लाख लोगों को मॉर्निंग में लंच कराया जाता है और रात के टाइम डिनर कराया जाता है। अगर 10 लाख का 20 लाख भी करना होगा तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं।